अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है। मेरे हस्बैंड बाज़ार लगाते हैं और हम यहाँ लांडी में रहते हैं। और ये कोई लांडी का ही इलाका है जहाँ पे ये, इसका नाम हुसैन शहीद सोसाइटी है। यहाँ पे प्लाटिंग हुई थी, यहाँ पे हमने एक प्लाट बुक करवाया था। और ये मेरी आंटी हैं, 40 गज़ प्लाट मेरा है और 40 गज़ इनका है। ये 80 गज़ का प्लाट था। ये बेवा हैं और न इनका कोई सरपरस्त नहीं है। ये इनका माजूर बच्चा है जो कि समझे बिल्कुल बेड पे है। इसके रोज़ाना एक दिन छोड़ के 1500-2000 की दवाओं का खर्चा है। इनका कोई कमाने वाला नहीं है। और ये जो हमने ये प्लाट लिया है, ये कोई एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, रहमत मीर, उनसे हमने लिया था। कोई बहुत ही मक्कार और धोखेबाज शख्स से आज 8 महीने से हम रूल लें, हम रेंट पे रहते, मैं भी और ये आंटी भी। काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। जाहिर सी बात है, पैसे नहीं होंगे तो कोई अपने घर पे किराए पे भी नहीं रखेगा। ये हमने लिया था कि हम बनवा के इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन 8 महीने से इस इंसान ने हमें धोखे में रखा हुआ है। और हमसे ले आज ये 8 महीने बाद उसने ये प्लाट किसी दूसरे को बेच दिया है। हमारी पूरी पेमेंट हुई है और हमारे पास ये पूरा एग्रीमेंट है। 18 लाख रुपए इस प्लाट के हमने दिए। 18 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं है। कहाँ से करके हमने दिए ये हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि किस तरीके से इन्होंने करा, किस तरीके से हमने करा। अपने जेवर बेच के सब कुछ करके हमने ये इतना सा छोटा सा प्लाट लिया कि चलो एक कमरा हो जाएगा, हमारा सर छुपाने की जगह हो जाएगी। लेकिन वो एक कमरा भी हमें वो नहीं दे रहा। और आपको वहाँ से मकान मालिक ने भी निकाल दिया। जब भी हम ये इस हाल में कोई भी रहना नहीं चाहेगा, लेकिन हम फिर भी आगे यहाँ पे इसलिए पड़े क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई नहीं है। और अब जबकि उसने ये किसी को बेच दिया, ये आप देख सकते हैं कि बना हुआ था, ये पूरा उसने तोड़वा दिया। हाँ, ये टूटा हुआ है, तोड़ रहे हैं। यहाँ से भी देखेंगे इधर, ये सब उसने तोड़वा दिया है। उस बेगैरत इंसान को इतना एहसास नहीं है कि मैं यतीमों और बेवाओं का खा रहा हूँ। ये कुछ गैरत खाए जिसने भी ये करा है, बेगैरती नहीं दिखाए, खुदा को शक्ल दिखाने की कुछ वो रखे है, ऊपर मुँह दिखाना ही नहीं दिखाना, या फिर यहीं से जूते खा के जाना है। और आगे जो कुछ भी होगा ये वही करेगा हमारे साथ, और इस सब चीज़ों का वही जिम्मेदार है। अगर हमारे को कुछ होता है वो शख्स जिम्मेदार है। और ये वीडियो जो जो देख रहा है, मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आगे शेयर की जाए और कोई हमारी मदद करे। खुदा रहा, हम बहुत परेशान हैं। मिर्जा आप ऐसी बेगर्दी नहीं दिखाओ। अब तो दिल तो यही चाहता है कि जिसने हमसे 40 गज का, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा काम नहीं है, बाजार बंद करवा दिए हैं। मेरे शोहर बाजार लगाते हैं, बाजार बंद हो गया, हमारी तो रोजी भी बंद हो गई है। किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे। और बेचारे इनके बच्चे, इनके जो बच्चे हैं, बच्चे हैं ये रहे। मैं चाहती हूँ जिस ये वीडियो उस शख्स तक पहुँचे जो हमारी मदद कर सके। खुदा रहा, हमारी मदद की जाए, साथ दो आकर, ताकि हमारी जगह हमें मिले। कहाँ जाएं हम, 2 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, मकान मालिक ने 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया, वहाँ से जाके नहीं इस जगह पे आए हैं, इस जगह से हम कहाँ जाएं। आप ये नहीं, आपका राइट बनता है, आपको आपकी जगह मिलनी चाहिए। आप लोगों ने जो पैसे भरे, जगह बेच के भरे हैं आप लोगों ने, ये कौन सा कहाँ का तो कह, कौन सी जगह के पूरे पैसे देने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। गरीबों से खरीदो, पूरी पेमेंट कर दी आप लोगों ने, फिर दूसरों को बेच दो, दूसरे से खरीदो, फिर तीसरे को बेच दो। ये गद्दारी कर रहे हैं, ये जो भी है मीर मोहम्मद है या मीर रहमत, मीर रहमत जो भी है, रहमत मीर जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनको इल्तिजा है खुदा के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए इस मासूम बच्चे का ही ख्याल कर लें, रान बेवा का ख्याल कर लें, हमारी जगह हमें दे दें। खुदा के लिए वास्ता है, इल्तिजा है आपसे, ये जगह पूरी हमारी, मेरी भांजी की, मेरी है, मेरे बच्चे को देख के नहीं, जगह इनको दे दीजिए। ये लोग बहुत परेशान हाल है, इस बच्चे का ही ख्याल कर लें अगर आपके दिल में खौफ है तो। अल्लाह के वास्ते इन लोग की जगह इनको दे दीजिए।